हंगर इज अ गुड कुक, बिल्कुल सही कहा है। मतलब जब भूख लगती है तो अनाड़ी से अनाड़ी इंसान भी किचन में जाकर अपने लिए बढ़िया मील तैयार कर ही लेता है। और जब भूख लगती है ना, तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे दिमाग में उस वक्त चल रही होती है कि यार कुछ स्नैकी मिल जाए हमें, मतलब समथिंग विच इज़ ईजी टू ईट, ईजी टू प्रिपेयर। और मेरे लिए वन ऑफ माई गो टू इंग्रीडियंट्स इज कॉर्न, भुट्टा, जिसे मक्की भी कहते हैं। और मक्की की ना एक डिश बनती है जिसे कहते हैं मक्की का खीर, जो एमपी में, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। इनफैक्ट एमपी में, इंदौर में खीर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आप चाहें तो इसे बरसातों में खा सकते हैं, जाड़े में खा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो आज हम बनाएंगे इंदौरी स्टाइल भुट्टे का खीर। अब देखिए, भुट्टे की खीर बनाने के लिए ना आप चाहें तो फ्रेश भुट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश भुट्टा ना सारा साल मिलता नहीं है। क्या मिलता है? ये कॉर्न के दाने, मक्की के दाने। और इन मक्की के दानों को हमें ना ग्राइंड करना है। वेरी सिंपल, ये गए मक्की के दाने, इसमें अ लिटिल डैश ऑफ वाटर और इसे ग्राइंड करना है ना। इसको पेस्ट नहीं करना, दरदरा रखना है। क्योंकि देखिए, खीर का मतलब क्या होता है? खीर का लिटरल मतलब होता है ग्राउंड या ग्रेटेड, और वो फाइन ग्राउंड या फाइन ग्रेटेड नहीं होता। दरदरापन होना खीर के लिए बहुत जरूरी है। इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर, जो एक एफिशिएंट मिक्सर ग्राइंडर है और आता है एंटी स्टेन कोटिंग के साथ, विच मीन्स जिद्दी से जिद्दी दाग, चाहे वो हल्दी के ही क्यों ना हो, आसानी से साफ हो जाते हैं। साथ ही ये आता है एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल कोटिंग के साथ, दैट हेल्प्स टू कीप द हाइजीन कोशेंट हाई। ऑलराइट, ये तैयार है, दिस इज गुड टू गो। देखिए, जैसा मैंने बताया, दरदरा रखना है। देखिए, काफी दरदरा है ना। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे घी। अब देखिए, घी को अच्छे से हमें गरम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार हम क्या करते हैं कि पैन गरम नहीं होता, घी गरम नहीं होता, और उसमें मसाले डाल देते। ऐसी सूरत में होता क्या कि मसाले जो हैं वो ढंग से पॉप नहीं होते, उनका फ्लेवर नहीं निकलता, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भूनते भूनते जल भी जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी टिप जो आपके बड़े काम आएगी। सबसे पहले इसमें जाएगी हींग। हींग इज ऑप्शनल, जरा सी हींग डिश में बड़ा धमाका देती है। मस्टर्ड सीड्स, जीरा, और इसमें मैं डाल रहा हूँ अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली। नाउ ग्रीन चिली स्वाद अनुसार, इफ यू मेकिंग इट फॉर किड्स, आपको अवॉइड करना है, यू कैन टोटली अवॉइड। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, इसमें डालेंगे हल्दी, सिंपल मसाले, हल्दी और मिर्च, दैट्स इट। थोड़ी सी मिर्च, जरा सा नमक। नाउ लाइटली स्टर दिस, और अब इसमें जाएगा ये ग्राइंड किया हुआ भुट्टा। भुट्टे की खीर जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग होती है। सर्दियाँ होती हैं, जाड़ों में स्पेशली खाने में बहुत मज़ा आता है, इट कीप्स यू रियली वार्म। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। भूनने से क्या होगा, इसका जो कच्चापन है वो निकलेगा और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। Look at this, beautiful. And above all, बहुत आसान है बनाना। Now, इसको थोड़ा पतला करने के लिए दो ऑप्शन है, एक है दूध, दूसरा है पानी। दोनों में से किसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध से क्या होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा वो क्रीमी बनता है, एक लबाब आता है, टेस्ट बढ़ता है, तो दूध वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। इसे हमें पकाना है अब 5 से 7 मिनट और कम से कम। देखिए, इसके अंदर तीखापन है, नमकीन है, साथ ही ज़रा सी चीनी एक इंटरेस्टिंग प्ले देती है फ्लेवर्स में। और बिना इसे चीनी, ये नहीं कि भर भर के डालनी है, ज़रा सी मामूली सी, ताकि एक बैक नोट आए मिठास का। हालांकि जब आप इस्तेमाल करते हैं स्वीट कॉर्न तो यूजली वो मीठा होता है, सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन अवॉइड इट टोटली। एक बार फिर से थिक होने तक इसे हम पकाएंगे। अब देखिए, मैंने 2 बार इसमें दूध डाला है। पहली दफा डाला था, उसे पूरा खपा दिया,
और अच्छे से भुट्टे को भून लिया। अब ये दूसरी बार इसलिए डाला है ताकि फिनिशिंग के वक्त मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब खाने के लिए जहाँ पर वो थिक होता है लेकिन फिर भी पोरिंग होता है, वो आ जाए। सो ये दो स्टेजेस में आपको दूध या फिर पानी का इस्तेमाल करना है। और ये भुट्टे की कीस तैयार, थोड़ा थिक लेकिन पोरिंग, परफेक्ट। ये तैयार है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल ग्रेटेड, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नींबू, अब ये तैयार है। मुझे लगी है भूख, चलिए इसे प्लेट करते हैं। और हमारी भुट्टे की कीस डन।